हेलो, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, वजह तो वही है कि वो इस घर में आ चुकी है बहू बनकर, और जो विद्या नहीं चाहती थी, और उसका भी कारण था क्योंकि वो एक वंशज नहीं दे सकती। और यहाँ पर अरमान जो है वो बहुत ही दुखी हो जाता विद्या के उस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अरमान ने हमेशा चाहा है कि उसका बच्चा हो, अपना बच्चा हो। और जैसे उसके उस साथ बीती है, क्योंकि वो सौतेला बेटा रहा है, तो ऐसा उसका अपना जो बेटा हो या बेटी हो वो कभी सौतेला महसूस ना करें। और यहाँ पर विद्या एज अ माँ प्रोटेक्टिव है, वो फील करती है अरमान के बारे में, लेकिन उसके बनस्पत भी अरमान जाके अबीरा से शादी कर लेता है। और यहाँ पर विद्या जो है, आपने देखा है कि वो एकदम एंटी हो गई है अबीरा और अरमान के, उन्हें घर से बाहर जाने के लिए कहती है, बोलती है अब ये नहीं जाएंगे तो मैं अपने बेटे और बहू के साथ चली जाऊंगी। यहाँ खुलासा हो जाता है कि अबीरा और रूही जो है वो बहनें हैं, और रूही जो है उसको पता चलता है कि ये अबीरा जो है वो मेरे मातोश्री की खूनी की बेटी है। तो यहाँ पर एक अलग ट्विस्ट आ गया है। और यहाँ ये भी देखने को मिला है हम लोगों को कि मासा का जो झुकाव है वो अबीरा के प्रति ज्यादा हो गया है। वो अबीरा के बारे में सोचने लगी हैं, सब कुछ उसके तरीके से करती हैं, उसके लिए करती हैं। यहाँ तक कि जो केसेस भी हैं जो फर्म में, वो सारे केसेस उन्होंने मनोज के या रोहित के, वो सारे केसेस उन्होंने अबीरा को लड़ने के लिए दे दिए हैं। और यहाँ पर कोई भी फैमिली मेंबर अब खुश नहीं है। तो लेकिन मांसा जो है वो अबीरा के साथ हो गई है, और बाकी फैमिली मेंबर्स जो है वो अलग हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं, दशहरे का त्यौहार है, उसके उस पर शगुन का तोहफा लेके जाती हूँ मांसा के पास, और कहती हूँ कि ये शगुन का तोहफा आपके लिए। तो बोलती है तुम्हारे लिए तो मैं लाई नहीं हूँ, क्योंकि तुम तो घर छोड़ने वाली थी। तो ये ताने एक दूसरे को कस रहे हैं। फिर विद्या बोलती है आपने ऐलान कर दिया है जंग का, तो देखते हैं मासा की कौन जीतता है, आप, आपकी बहू अबीरा या मैं और मेरी बहू रूही। तो ये सब चल रहा है। और यहाँ विद्या का जो है वो हमेशा से जो एक बहुत ही सुंदर बहू, जो परिवार को एक साथ जोड़ के रखती थी, जो मासा के खिलाफ कभी नहीं बोलती थी, हमेशा नजरें झुकाकर अदब से, आदर से, और अपना आदर्श मानती थी मासा को, यहाँ पर वो उसकी उनके खिलाफ बोलने लग गई है। वो खड़ी हो गई है उनके सामने एकदम एक पिलर की तरह, कि मैं, आप चट्टान है तो मैं भी कोई कम चट्टान नहीं हूँ, आप शेरनी है तो मैं भी शेरनी हूँ। तो ये सब होने लग गया है, एंड इट्स क्लैश ऑफ द टाइटन्स। और अब कोई भी संकोच नहीं है, क्योंकि बांध टूट गया है। तो विद्या बहुत ही, अभी वो भी ताने कस रही है, वो भी आंखों में आंखें डाल के मासा के साथ चीजें बोलती है उनको, जो उसको ठीक नहीं लगती है, एंड ये सब हो रहा है। तो बड़ा मजा आ रहा है। और रूही यहाँ पर मुझे बोलती है कि प्लीज आप मुझे गिफ्ट देना चाहती हैं, तो प्लीज आप मुझे रोहित के लिए नया कैबिन ला दीजिए ऑफिस में। और यहाँ पर विद्या जो है वो माधव को बोलती है कि आप जाके मासा से बोलेंगे कि आपके बेटे के लिए नया कैबिन दें। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। अब लेट्स सी कि आगे क्या होता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मजा आ रहा है। अलग अलग नई नई चीजें करने को मिल रही हैं, प्लॉट अलग आ रहे हैं, कहानियों में ट्विस्ट अलग आ रहा है, सिचुएशंस अलग हो रही हैं, इंटरेस्टिंग हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है। तो हमारे लिए एज अ कलाकार इट्स मोर एक्साइटिंग एंड इट्स फन। थैंक यू।